नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही YouTube चैनल सस्य मंत्रा भाई दीपक राम। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपको जानकारी दे दो। अभी तक आपने मुझे अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर नहीं फॉलो किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं अन अकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, जहाँ पर मैंने आप छात्रों के लिए UPSC स्पेशल हिंदी ग्रामर का कोर्स मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पर वहाँ पर आपको मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपके अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर वीडियो लेक्चर क्रिएट की हैं, जो आप छात्रों के वीडियो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो करने के लिए बस इतना करें, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, उस लिंक में क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे द्वारा बनाए कोर्सों का बिल्कुल निःशुल्क लाभ ले सकते हैं और फ्री में आप उसकी स्लाइड भी डाउनलोड कर सकते हैं और पर्सनल SMS के थ्रू भी अपने डाउट मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, जो कि आपके ग्रामीण समाज ग्रामीण अध्ययन पर आधारित है और आप छात्रों में काफ़ी डिमांड भी कैसे ग्रामीण पे कुछ मैटर मिलेगा। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, काफ़ी लोगों ने देखा सराहा और आज इसका देखिए पार्ट टू मैं लेकर आया हूँ। और आपका जो एक महीने से कम का भी समय है, अंतिम महायुद्ध की आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से लगन से लग के सब कुछ भूल कर बस केवल पढ़ाई करिए अच्छे से, तभी आपको सफलता मिलेगी। और रेगुलर जो वीडियोस मैं बनाता हूँ आप छात्रों को उपयोगी, इसको वॉच करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो मालगुजारी संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है वो है देखिए आपका राइट आंसर राजस्व परिषद। ठीक है, राजस्व परिषद सबसे बड़ी संस्था है। आगे बढ़ते हैं, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई थी, राइट आंसर है 1831 में। ठीक है, 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। भू राजस्व या लगान का अर्थ है, अब दोस्तों भू राजस्व या लगान, जैसा कि लगान आप सभी जानते हैं क्या है, ऑप्शन यहां पर देखिए सी राइट आंसर है, कृषक द्वारा भूमि उपयोग के बदले सरकार को दी जाने वाली राशि। ठीक है, जो किसान होते हैं जो भूमि के उपयोग करते हैं उसके बदले सरकार को कुछ अंश दिया जाता है, उसे कहा जाता है भू राजस्व। खसरा मसाहती तैयार करना प्रमुख कार्य है किसका, देखिए तहसीलदार का, लेखपाल का, पंचायत सचिव का या ग्राम प्रधान का, तो ग्राम पंचायत कार्य का पेपर दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए और ये उम्मीद भी की जाती है आप छात्रों से कि जिस भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं तो आयोग भी उम्मीद करता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको बना के दे। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है खसरा मसाहती तैयार करना प्रमुख कार्य है लेखपाल का। ठीक है, लेखपाल का है ये, ना ग्राम प्रधान का ना पंचायत सचिव का, लेखपाल का काम है। एक चेन बराबर होता है, अब दोस्तों ये नाप की इकाई है, तो यहाँ पर देखिए एक चेन 72 फीट है, 84 फीट है, 66 फीट है या 19 मीटर के, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है एक चेन बराबर होता है आपके 66 फीट के। ठीक है, 66 फीट के। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन तो बता ही चुका हूँ लेकिन बार बार ये क्वेश्चन आते हैं तो जिससे आपका और भी पक्का हो जाए, कभी भूले ना आप लोग ये। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम दोस्तों पारित किया था, राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1994 में। ठीक है, 1994 में उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जो गांव की जनता होती है अपने प्रधान का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना होती है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है उसके कार्यकाल की गणना कब से होती है, क्या वो निर्वाचन के दिन से ही माना जाता है, शपथ ग्रहण के दिन से, प्रथम बैठक की तिथि से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपके प्रथम बैठक की तिथि से। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की जो गणना की जाती है जिस दिन प्रथम बैठक होती है उसकी तिथि से ये की जाती है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, अब दोस्तों जो ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग जिलाधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा, गठित समिति द्वारा या खंड प्रमुख द्वारा, तो दोस्तों UP स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इसका चुनाव कराती है। जो भी चुनाव होते हैं आपके UP में स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आप कह सकते हैं कि ये विधानसभा का चुनाव हो गया या विधान परिषद का हो गया या इसका पंचायत का हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपका राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत समितियों में निम्न में कौन नियत नहीं है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, नियोजन एवं विकास समिति क्या इसमें आती है कि नहीं आती है, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति या पथकर समिति। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पंचायत समितियों में नियत नहीं है वो है आपका पथकर समिति नहीं है, बाकी नियोजन एवं विकास समिति है, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा,
ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को ये कहा गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने की पूरी पूरी संभावना इस सब क्वेश्चन को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च हुआ था उस समय जो तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी वो है दोस्तों आपका राइट आंसर अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था अमेरिका से। भारत में पंचायती राज की स्थापना करने वाला दूसरा राज्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारत में जो पंचायती राज की स्थापना करने वाला दूसरा राज्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, और पहला राज्य जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से ये हुआ था। दलीय व्यवस्था एवं दलीय चुनाव चिन्हों के साथ पंचायत चुनाव की अनुशंसा करने वाले थे। अब दोस्तों देखिए दलीय व्यवस्था दलीय चुनाव चिन्हों के साथ मतलब जैसे आपका विधानसभा लोकसभा में जो दल होते हैं उनका, जैसे अगर बात करें बीजेपी की कमल की है, समाजवादी पार्टी की साइकिल की है, और एसपी की बसपा की आपका हाथी है, तो इस प्रकार से ये भी सुझाव दिया गया था कि इनका भी दलीय चुनाव हो जाए। फिलहाल दलीय नहीं होता है, ये अपना अलग अलग रेंडमली चीज़ें आपको जो चुनाव चिन्ह होता है कापी पेन कलम ये सब निर्वाचन आयोग देता है चुनाव चिन्ह को। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अशोक मेहता जी ने ये सिफारिश की थी कि दलीय चुनाव चिन्ह के साथ पंचायतों को अनुशंसा कर किया था उन्होंने। मृदा समिति का संबंध है। अब दोस्तों मृदा समिति यहाँ पर देखिए ग्रामीण विकास से, कृषि विकास से, पंचायती राज से या शेयर घोटाला से, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ग्रामीण विकास। मृदा समिति का जो संबंध है वो है ग्रामीण विकास से। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? अब ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका जो लक्ष्य रखा गया था टारगेट से ज़्यादा विकास हो गया? यहाँ पर देखिए आठवीं, पाँचवीं, छठवीं या पहली, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? अब ऐसा कौन सा उर्वरक है जो दोस्तों भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है? तो यहाँ पर देखिए आपका नेत्रजन यानी नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है या द्वितीयक पोषक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है पोटास, ठीक है, ये पूरी तरीके से बाहर से आयात कराता है पोटास। भारत में कृषि को समझा जाता है। अब दोस्तों भारत में देखिए कृषि क्या है, कृषि प्रधान देश है और ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों भारत में जो कृषि है यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर जीविकोपार्जन का साधन कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक बिजनेस के रूप में नहीं लिया जाता है, ना व्यवसाय ना उद्योग है, यहाँ पर एक जीविकोपार्जन के रूप में इसको समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पेनिसुलर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन होता है वो है दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तालाबों से, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई तालाबों का प्रमुख ये साधन है। भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन भिन्न भिन्न तीव्रताओं के बाढ़ और सूखे से बहुत अधिक प्रभावित हैं, उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय धारणीय नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पर धारणीय नहीं होगा कहने का मतलब, ऑप्शन चलिए पढ़ देते हैं, व्यापक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, फसल कैलेंडर में परिवर्तन, कृषि के लिए बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों का परिहार, या बाढ़ और सूखे की दशाओं के सर्वाधिक उपयुक्त फसलों के चयन पर बल। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि के लिए बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों का परिहार। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ग्रामीण विकास संबंधित जो 20 सूत्री कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हुई थी आपके 1975 में, ठीक है, 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आदर्श ग्राम योजना जो कि 1903 में हैमिल्टन द्वारा बनाई गई थी सर्वप्रथम लागू की गई। अब दोस्तों आदर्श ग्राम योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, देखिए मद्रास के सुंदरम गाँव में, राजस्थान के नागौर में, तंजौर में या अलीगढ़ के रामगंज ग्राम में? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मद्रास के सुंदरम ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार आश्वासन योजना का संबंध है। अब दोस्तों जो रोजगार आश्वासन योजना है उसका संबंध यहाँ बताना है किससे है, ग्रामीण क्षेत्रों से, नगरीय क्षेत्रों से, मलिन बस्ती से या अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों से? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा आंसर नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों से, ठीक है, रोजगार आश्वासन योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है। स्वजल धारा कार्यक्रम जो कि 2002 में लागू हुआ का संबंध है। तो देखिए स्वजल धारा कार्यक्रम कब लागू हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 2002 में हुआ था
और इसका जो संबंध है दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से, स्वजल धारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वीडियो क्लास क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गई। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, तो देखिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो लागू की गई थी वो आपके है 4 अप्रैल 2005 से, 4 अप्रैल 2005 से। तो ये था दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास से, ग्रामीण समाज अध्ययन से आपका क्वेश्चन, जो कि आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस जॉब में ये से क्वेश्चन आयोग पूछता है, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन करना होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ।